बिहार सिविल कोर्ट का जो जॉब है दोस्तों, इसमें कभी भी आपको दुख और दुविधा देखने के लिए नहीं मिलेगा। हमेशा आप लोग सुख और सुविधा के बीच में पलते बढ़ते रहेंगे। जज साहब के ठीक सामने एक नीचे बेंच लगा होता है, उसी पे दोनों बैठे होते हैं। उनको थोड़ा सा अनुभूति हो जाता है पियोन के लिए कि जज साहब मेरा एक थोड़ा हुआ है बाहर में कैदी, जरा सा उसको कम सजा सुना दीजिएगा, तो मैनेज होता है। मतलब हल्का सा ही सपोर्ट कहिए उसको मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का ये वीडियो बिहार सिविल कोर्ट पर पूर्णता आधारित होगा और यहाँ पे आप लोग को हम काम का टोटल जानकारी देने वाले हैं। आप जिस भी पोस्ट को भरना चाहते हैं, वो चाहे पियोन पोस्ट के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, कैसा काम करने पड़ेगा, यानी चपरासी बना करके वो आपसे कैसा काम करवाएगा, क्लर्क बना करके कैसा काम करवाएगा, स्टेनोग्राफर को क्या काम मिलने वाला है और कोर्ट रीडर को कैसा काम मिलेगा, ये सबको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग जो जॉब को करेंगे वो जिला न्यायालय के अंतर्गत आने वाले सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट को समझना होगा, इसी के अंतर्गत आप लोग को काम मिलने वाला है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है और कैसे आप लोग का जॉब के बाद क्या-क्या काम करना पड़ेगा, तो अभी से जान जाएंगे तो इंटरेस्ट आप लोग का बढ़ जाएगा थोड़ा सा। और जो लोग नए हैं, मतलब जानते भी नहीं कि सिविल कोर्ट क्या होता है, सेशन कोर्ट क्या होता है और यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, किस तरह काम को कहां पे करना होगा, तो उन लोगों को भी काफी सारा इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ने वाला है। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। बिहार सिविल कोर्ट के लिए वीडियो होने वाला है और यहां पे टोटल हम काम का जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। यहां से आप लोग का बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होगा। सबसे पहले जो हमको हम समझा आने वाले हैं, काम से पहले आप लोगों को कहां काम करना पड़ेगा, ये चीज आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों जिला न्यायालय के अंतर्गत करना पड़ेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान से यहां पे समझिएगा, भारत में जो कोर्ट का व्यवस्था है वो सबसे पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट को जानते होंगे, सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊपर है उसमें आप लोगों को काम नहीं करना है। हाई कोर्ट को जानते होंगे उसके बाद, उसमें भी आप लोगों को काम नहीं करना है। आपके बिहार राज्य में 38 जिला है, 38 जिला में पाया जाने वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके जिला में पाया जाता होगा, इसमें इसके अंतर्गत आने वाले सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट में आप लोगों को काम मिल सकता है। तो यहां पे किस तरीका से ये बटा हुआ और किस तरह काम आपको करना पड़ेगा इसमें जाकर के, तो ये सबसे पहले समझिएगा कि आप लोग को कोर्ट में काम करना है और कहां बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी है। तो बिहार में ही आपको रखा जाएगा, आपका 3 चॉइस मांगा जाएगा, आपके क्षेत्र से संबंधित जिसको भी आप जानते हैं, मतलब जहां पे आप रहते हैं आपके अगल बगल के क्षेत्र को मांगा जाएगा, 3 चॉइस में से कोई भी एक आप लोग को दे दिया जाएगा जिसमें भी आपका जॉब लगेगा, ठीक है। और वो हो सकता है, सबसे पहले समझिएगा कि जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसको हम लोग डीजे कहते हैं। डीजे यानी कि बजाने वाला डीजे नहीं, ये जो डीजे है ये डिस्ट्रिक्ट जज है, मतलब इसके सबसे ऊपर होता है, और उसके नीचे जो होता है उसको एडिशनल डीजे कहते हैं, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ये होता है, वो दो भाग में बटा होता है, और ये अगर नहीं रहेगा, डीजे नहीं रहेगा, तो कुछ कार्यभार ये भी देख लेगा और इसका बहुत सारा काम ये भी कर देता है, और इसके अनुपस्थिति में इसका ज्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है। तो उतना हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर नहीं समझना है। तो ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जो कि आपका जिला न्यायालय का यहाँ पे उच्च अधिकारी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। सबसे पहले सिविल कोर्ट, जो कि आपका वैकेंसी निकला हुआ बिहार सिविल कोर्ट के नाम से, इसको हम लोग व्यवहार न्यायालय कहते हैं, ठीक है। और यही जिला न्यायालय जो है सिविल कोर्ट में बटा हुआ है और सेशन कोर्ट में बटा हुआ है, दोनों इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। देखिए यहां पर क्लर्क का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, कोर्ट रीडर का पोस्ट है, सबका लेवल 4 ही है, लेकिन काम अलग अलग है। उसी प्रकार से यहां पर जब इस जिला न्यायालय को हम बांटे सिविल कोर्ट में और सेशन कोर्ट में, तो ये दोनों का काम अलग अलग हो गया। क्या काम अलग हो गया, तो सबसे पहले समझिए कि सिविल कोर्ट को हम लोग व्यवहार न्यायालय बोलते हैं, जहां पे आप लोग को काम मिलेगा बहुत ज्यादा, यही पोस्ट आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। और सेशन कोर्ट में यहां सत्र न्यायालय इसको हम लोग बोलते हैं। इसका काम क्या है सिविल कोर्ट का, तो यहां पे दीवानी मुकदमा को देखा जाता है। देखिए ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका काम से संबंधित है, ये आप एक फिगर बनाइए अपने दिमाग में कि इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा, ये सब चीज हमको झेलना पड़ेगा, जो कि कैदी के बीच, सुनवाई के बीच, जज के बीच जो फैसला आएगा, कभी क्या फैसला आएगा, कभी क्या, कभी फांसी का फैसला देखने के लिए मिलेगा, कभी उम्र कैद की सजा देखने को मिलेगी, तो ये सब आपके नजर के सामने होगा, तो आप लोग को इससे गुजरना होगा, ठीक है। तो इस तरह काम आप लोग अपने दिमाग में इमेजिन करिएगा। तो यहां पे दीवानी मुकदमा देखने के लिए मिलेगा। दीवानी मुकदमा हम खास रूप से उसको बोलते हैं जो पैसों से संबंधित होती है, यानी कि यहां पे मारपीट का मामला नहीं आएगा, हत्या चोरी वगैरह का मामला नहीं आएगा, खास करके यहां पे क्या आएगा, मतलब कोई किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, वो मामला इस कोर्ट में नहीं देखा जाता। यहां इसका नाम है व्यवहार न्यायालय, यानी कि यहां पे दीवानी मुकदमा की सुनवाई सिर्फ की जाती है जो कि पैसों से खास रूप से संबंधित होती है। अब वो किस रूप में होगा, अगर दहेज में किसी ने किसी से ज्यादा ठग कर लिया है, यानी कि दहेज में ज्यादा रुपए ले लिया है, या दहेज का विवाद है, तो वो कहां पहले जाएगा, तो वो आपका सिविल कोर्ट में ही जाएगा। और सिविल कोर्ट किसके अंतर्गत है, तो आपका जिला न्यायालय के अंतर्गत है। मतलब समझिए कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, इतना बड़ा बिल्डिंग है और इसी में बटा हुआ है ये सेशन कोर्ट और ये सिविल कोर्ट हो जाएगा इस टाइप से। और बहुत सारा कमरा है उसमें, मतलब कि समझिए कि हर एक रूम में अलग अलग जज बैठे हुए हैं। जैसे आपको सिंपल रूप से बताया, तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है यहाँ पे 20 से 25 जज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या ज्यादा है और जगह जगह पे कम ज्यादा होते रहते हैं, तो इस कारण
कारण से केस जाते रहता है, एक ही जज बहुत सारे केस को नहीं देख सकता है, इस कारण से आप लोग का भी सीट यहाँ पे मेंटेन करना होता है, इसको भी बढ़ाना होता है, क्योंकि जज अलग अलग है, सबका अलग अलग काम है, सबको अलग अलग स्टेनोग्राफर चाहिए, सबको अलग अलग क्लर्क चाहिए, सबको अलग अलग पियोन चाहिए, इसलिए वैकेंसी इतना ज्यादा निकलता है। ठीक है, तो जब जज ही 20-25 हो जाएंगे तो इन लोगों का संख्या तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इस कारण से आपको बताया। तो ये उसी में हो गया जो कि जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पैसे का सुनवाई, जैसे बिजली चोरी कोई कर रहा है तो उसका जो अगर केस होगा तो कहां होगा, सिविल कोर्ट में जाकर होगा। संपत्ति से संबंधित कोई भी केस होगा तो कहां होगा, जाकर सिविल कोर्ट में होगा। बैंक का लूट हो गया तो यहाँ पे मारपाट तो हुआ नहीं है, हत्या वगैरह नहीं हुआ है, तो ये केस कहां होगा, सिविल कोर्ट में जाकर के होगा आपका। और जब ये केस होगा तो इसी में ना बहुत सारे लोग को काम मिलता है कि केस हुआ तो नोट कोई और कर रहा है, पुलिस का भी इसमें कुछ काम आ जाता है कि पहले वहां जाकर केस हुआ, वो फिर गया आपका कोर्ट में गया, तो वहां पे ये आपका कोर्ट रीडर का काम होगा कि उस सबको टाइपिंग करके लिखना है, सबको मतलब इसका रिपोर्ट बना तैयार करना है, स्टेनोग्राफर का काम होगा शॉर्टकट में लिखना है, क्लर्क का काम होगा उसको पेश करना है, पेशकार है, पियोन का काम होगा पानी पिलाना, फाइल को पहुंचाना, ये सभी तरीके में बटा होता है। तो ये चीज समझते चलेगा, जैसे हम बता रहे हैं क्योंकि काफी आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो बैंक लूट हुआ आप समझ भी रहेंगे, मोबाइल पर पैसा ठग देखते हैं, मोबाइल पर फोन किया, स्कॉर्पियो जीत चुके हैं आप, पजेरो जीत चुके हैं आप, जेसीबी जीत चुके हैं और आपको हम पहुंचा रहे हैं, बस 20,000 मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर करिए। इस तरह का जो ठग होता है, केस जब आप करने जाइएगा तो आपको कहां जाकर सुनवाई होगा, तो सिविल कोर्ट में ही सुनवाई होगा, जिसको हम लोग व्यवहार न्यायालय बोलते हैं। अच्छा, ये तो हम समझ गए। अब बात करते हैं सेशन कोर्ट का, जो कि जिला न्यायालय के अंतर्गत ही आता है, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत ही आता है, जिसमें सत्र न्यायालय हम जिसको बोलते हैं। अब ये क्या चीज है, तो ये है फौजदारी मुकदमा, यहां पे सुना जाता है, यानी कि फौजदारी मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट हत्या ये सबको कहां देखा जाता है, तो आपका फौजदारी मुकदमा में। अब दहेज का ही हम बात कर लें कि दहेज में पैसा ठग हुआ तो आपका केस जाएगा सिविल कोर्ट में, और जैसे ही दहेज में किसी को जला दिया गया, मार दिया गया या किसी भी तरह का कोई हानि उसके शरीर पर पहुंचाया गया, तो वो केस बदल जाएगा आपका सेशन कोर्ट में, यानी दोनों में आप लोग का केस चलेगा, एक चोरी का यानी कि मतलब दहेज चोरी का, उसके बाद आप लोग का सेशन कोर्ट में मारधार का केस चलेगा, दोनों में केस चलेगा, तो केस तगड़ा हो जाता है। ठीक है, ये चीज। तो यहां पे फौजदारी मुकदमा मतलब जो भी लड़ाई पैसा संबंधित नहीं है, लड़ाई संबंधित देखिए कैसे मारपीट से संबंधित है उसका मुकदमा, हत्या है, रेप है, किडनैपिंग है, आपराधिक मामले है, जिस भी तरह का मामला है, जैसे किसी का सर फोड़ दिया आप, तो ये आपका किस कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, तो सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी का पैसा चोरी कर लिए तो कहां जाना पड़ेगा, यहां पे जाना पड़ेगा, अगर वो आदमी आप पे केस करता है तो ये चीज समझ गए, काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस टाइप से आप लोग को मिलेगा। अब यहां पे बात करते हैं, ये चीज आराम से समझ गए। अब बात करते हैं आप लोग का एग्जाम जो आप लोग देने वाला है, जिसका फॉर्म भर चुका है, जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो पोस्ट होगा आप लोग का पियोन का। अब ये चारों पोस्ट जो यहां पर है, ये सभी पोस्ट इसी के अंतर्गत आते हैं, यहीं पर आप लोग को काम करना होगा, या तो सिविल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में। तो किसके अंतर्गत, जिला न्यायालय के अंतर्गत, समझ गए यहां पे। अब आइए हम लोग बात करते हैं पियोन से शुरुआत करते हैं और क्लर्क की ओर बढ़ेंगे, फिर स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर के बारे में आप लोग को हम जानकारी देंगे। सबसे पहले पियोन का अगर आपको हम बताना चाहते हैं, तो यहां पे इसको अर्दली बोलते हैं, यानी कि चपरासी भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि सबसे छोटा पोस्ट होता है कोर्ट में। अगर हम बात कर लें इसका काम क्या होता है, तो आप जानते हैं कि इसको 10th पास पे निकाला जाता है, और एज इसका 18 प्लस में आप लोग इसको भर सकते हैं, और जो मैक्सिमम एज दिया गया सब चीज आपको हम बता चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं, पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया है, वो सबको आपको देखना है, तैयारी कैसे करना है, किस बुक को पढ़ना है, हर चीज आपको बताया है, और इस वीडियो में भी एक बुक का जानकारी आपको लास्ट में देने वाला है, जो कि इंग्लिश का होगा। आइए बात करते हैं लेवल वन में, लेवल वन का जॉब है इसको माना जाता है, और सैलरी इसका करीब 27,000 प्लस आप लोग को मिलता है शुरुआती में। तो यहां पे क्या होता है कि सैलरी वगैरह अच्छा ही होता है, सरकारी जॉब का सैलरी शुरुआत से ही अच्छा होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पे नहीं होता है। तो 27,000 प्लस आपको सैलरी पियोन के पद में मिलने वाला, लेवल वन का जॉब है, 18 प्लस में आप इसको भर पाएंगे, 10th पास पर भी आप इसको भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मेन रूप से बात करते हैं काम क्या है, इसमें टाइपिंग आपसे नहीं मांगा गया, ठीक है, टाइपिंग आपसे नहीं मांगा गया है। तो क्यों टाइपिंग मांगेगा, पियोन का पद है, यहां पे आपको शारीरिक वर्क करना होता है, तो टाइपिंग लेकर के क्या करेगा। और यहां पे बाकी तीन जो पोस्ट है, ये कुर्सी लेवल का जॉब है, यानी कुर्सी पर बैठा करके बाबू जैसा आपसे काम कराएगा, टाइमली जॉब होगा, जॉब जो होगा आपका, यानी कि जब कोर्ट का छुट्टी होगा तो आप लोग का भी छुट्टी होगा, संडे ऐसे भी बंद रहेगा, तो ये सब काम सबको फायदा हो जाएगा जो भी कोर्ट में ड्यूटी कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ कि यहाँ होगा क्या, तो इसमें ऑफलाइन काम आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब पियोन का जो काम होगा वो ऑफलाइन ही होगा। आप इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं, यानी कि नेट पर देख रहे हैं, लेकिन आप पियोन को ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे, काम जा करके होगा, वहां पे बात करके होगा, काम वहां से मिल करके होगा, जबकि ये सबका जो काम होगा लगभग ऑनलाइन ही होता है। इसलिए आपको बताया कि ऑफलाइन वर्क किसको करना पड़ेगा, और करना क्या पड़ेगा, तो फाइल का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। फाइल मेंटेनेंस मतलब समझ नहीं रहे कि किस तरह से करना पड़ेगा, अरे कोई फाइल अगर जज मांगा कि ये फाइल लेकर के आओ, इतने नंबर का फाइल पे रखा हुआ, ये लेकर के आओ, वो लेकर के आना, फाइल को पहुंचाना, ढंग से रखना, कहां रखना है उसको देखना, जहां रख रहा है वहां का सफाई वगैरह, मतलब कि साफ सफाई ध्यान रखना, सफाई के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जाते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना कि तुम अच्छा सफाई कर रहा है कि नहीं, ये भी। अगर जज को पानी प्यास लगा तो पानी पिला देना, पानी रख देना, ये सब का काम जो होता है अर्दली का होता है, चपरासी का होता है, पियोन का होता है, जो कि आप खुद भी समझते होंगे। कैदी को बुलाना, कैदी नंबर इतना हाजिर हो, ये कौन करता है, वो भी करता है। उसके बाद न्यायालय का देखरेख करना, मतलब कहां क्या त्रुटि है, बल्ब फ्यूज हो गया, पंखा नहीं चल रहा है, ये सब ठीक कराना, मरम्मत
मत कराना। किसका काम है? तो पियोन का ही काम होता है। जज अगर खाना खाने गया तो उसके बगल में खड़ा रहना, कब उसको पानी प्यास लगेगा, हो सकता है कोई और चीज वो मंगा दे, क्योंकि जज आपके कोर्ट का राजा होता है और वहां पे आपको उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा जो भी पियोन के पद को भरने वाले हैं। तो क्लियर हो रहा है बहुत सारा चीज, आगे बताते हैं। यहां पे क्या है कि साफ सफाई का देखना, मतलब खुद से नहीं करना लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग रखे गए हैं उसको देख रेख करना कैसा कर रहा है, ठीक है। तो ये पियोन का काम होता है, जबकि काफी मतलब अच्छा होता है। और सबसे ज्यादा पहुंच का अगर हम बात कर रहे हैं तो पहुंच भी पियोन का ही होता है, क्योंकि समझिए कि जज सबसे ज्यादा किसको देख रहा है, हमेशा पियोन को। बात किससे कर रहा है? पियोन से, ये लाओ वो लाओ। तो थोड़ा सा सहानुभूति हो जाता है पियोन के लिए कि जैसा साहब मेरा एक तो आया हुआ है बाहर में कैदी, जरा सा उसको कम सजा सुना दीजिएगा, तो मैनेज होता है। मतलब हल्का सा ही सपोर्ट कहिए उसको मिल जाता है, और बहुत सारा साइड से भी वो इनकम जनरेट करता है पियोन को। अगर हम बात कर लें, आप कोर्ट में जाइएगा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, यानी कि आप अगर किसी जॉब के माध्यम से जाते हैं तो ठीक है, अगर ऐसे भी जाइएगा कोई काम से जॉब में तो आपको समझ में आ जाएगा बिना पैसा का कोर्ट में कोई काम आज भी नहीं होता है। खास करके अगर बिहार का बात कर लें तो नहीं होता, ठीक है, ये कोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगता है। तो पियोन को काफी अच्छा होता है, सैलरी भी ठीक है, और ऐसे भी पहुंच वगैरह बहुत होता है। मतलब समझिए कि अगर अजीब टाइप का बिहेव भी वो करेगा आपके साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लगेगा कि जाएंगे तो वो पियोन टाइप से ही आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप जाइएगा पियोन से मिलने के लिए तो लगेगा पहला जज साहब यही है और दूसरा जज होंगे जिनसे हम मिलेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा रुतबा में वो रहता है, क्योंकि कमी उसको कोई चीज का है नहीं, हर चीज पूर्ति है। तो यहाँ पे पियोन का ये काम होता है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया और समझने का भी आप प्रयास कर लिए, ठीक है। और भी इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले बताते हैं आपको क्लर्क के बारे में, क्योंकि क्लर्क के बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, क्लर्क के बारे में हमें बताइए। तो क्लर्क का जब हम बात करते हैं, इसमें क्लर्क का भी एक पोस्ट निकला है जो कि बिना यहाँ पे इसमें भी टाइपिंग नहीं मांगा गया क्लर्क में, और जो कि एक ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है और यहाँ पे 10th पास पे है। तो इसमें 21 प्लस में वाले को यहाँ पे मौका मिलता है इस फॉर्म को भरने का, तो 21 प्लस है तो, और उसके बाद 37 है, उसके बाद कैटेगरी वाइज तो अलग हम बता ही दिए हैं। लेवल 4 का ये जॉब है, काफी अच्छा जॉब होता है। और यहाँ पे बात कर ले कि ये तीनों पोस्ट जो है आपका क्लर्क का हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, कोर्ट रीडर हो गया, ये सभी आपका लेवल 4 का ही जॉब है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, सबका वेतन वगैरह लगभग समान होता है और थोड़ा सा परिवर्तन होता है, 1-2 हज़ार का ऊपर नीचे हो सकता है तीनों पोस्ट में, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो लेवल 4 का ये जॉब है, इसमें भी आपसे टाइपिंग नहीं मांगा गया, जबकि ये क्लर्क का पोस्ट है और आपसे टाइपिंग नहीं मांगा गया। तो कहना क्या चाहता है, तो इसको हम लोग एक रूप से पेशकार बोलते हैं। पेशकार क्या होता है ना, इसका काम क्या होता है, देखिएगा, इसका भी एक ऑफिशियल बल्क है, वर्क है, मतलब ऑफिस में, मतलब ड्यूटी एक तरह से ऑफिस का ही हो गया। और डाटा मेंटेनेंस यानी साइट मेंटेनेंस का होना है, यानी कोर्ट का जो भी डाटा लोड होता है नेट पर कि अब कोर्ट इतना दिन में खुलेगा, इतना दिन में बंद होगा, इतने समय में चालू होगा, इसका इस समय में काम है, इसका इस समय में काम है, इतने रूम में इसका चल रहा है चर्चा, इसका इतने रूम में चर्चा चल रहा है, ये जज साहब नहीं आए हैं, वो आए हैं, तो ये सब किसका काम होता है, मेंटेनेंस करना साइट वगैरह का, तो वो क्लर्क का काम होता है। इसमें टाइपिंग का इसको कोई भी जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन लोड करना, स्टाफ वर्क मेंटेनेंस यानी कि ये भी काम करता है, किस स्टाफ का ड्यूटी कहां पे लगने वाला है, किस स्टाफ का सैलरी कितना होगा, क्या क्या काम उसको देना है, मतलब किस तरह से डिवाइडेड है, ये सारा काम जो मेंटेनेंस का होता है ना खास करके, वो पेशकार यानी क्लर्क का होता है, इसको देखना होता है। और जैसे जज साहब आज नहीं आएंगे, ये जानकारी सबसे पहले किसको मिलेगा, तो क्लर्क को ही मिलेगा, जज साहब उसी से बात करते हैं। मतलब अगर हम देखें कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है जज साहब किसको देते हैं, तो वो क्लर्क को ही देते हैं कि आज नहीं रहेगा, कल रहेगा, कल इतने टाइम से रहेगा, इतने टाइम से रहेगा, तो इसको ज्यादा पता होता है उसके बारे में। और टोटल चीज मेंटेनेंस ये कंप्यूटर पर यही करता है, और कंप्यूटर डिग्री इसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज तो आपको होना है, डाटा वगैरह चढ़ाना हो गया, इंफॉर्मेशन लोड करना हो गया, साइट पे कोई सूचना पहुंचाना हो गया, तो ये सब काम आपका होता है। बहुत सारा मेंटेनेंस पैसा को लेकर के, काम को लेकर के, स्टाफ को लेकर के बटा होता है, जो कि क्लर्क दिखता है। तो ये काम इसका होता है, काफी अच्छा होता है, मतलब कि क्लर्क का पोस्ट बहुत ही बेहतर है। इसमें अगर बात कर लो, इसमें फॉर्म भी बहुत ज्यादा गिरा है और इसमें भी बहुत ज्यादा फॉर्म गिरा है, ये दोनों में थोड़ा सा टेंशन इस कारण से हो रहा है क्योंकि बायलिंगुअल मांग दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांग दिया है, लड़के थोड़ा सा परेशान है और होना भी चाहिए, ये गलती किया है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो चाह रहा है कि एक तीर से दो शिकार करें, यानी एक ही आदमी को दोनों टैलेंट हम दे दें, दोनों चीज सिखवा दें, ताकि मेरा काम कम सैलरी में ही दोनों हो जाए, जबकि उसको दो के लिए अलग अलग आदमी को रखना पड़ता और यही सही होता। तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा बन जाता है, इसके बारे में और भी हम वीडियो ला करके इसको हम और भी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन लोड हो गया, स्टाफ का वर्क मेंटेन हो गया, तो ये हो गया क्लर्क का काम। अब स्टेनो वाले सोच रहे होंगे मेरा क्या काम है, आइए इसको बताते हैं। स्टेनो वाले का क्या काम होता है दोस्तों, स्टेनोग्राफर में देखेंगे आप लोग शॉर्ट हैंड का काम आता है। स्टेनोग्राफर क्या करेगा कि जज के सीधे नीचे आप देखते हैं एक बेंच लगा होगा, चाहे कुर्सी लगा होगा, टेबल लगा होगा, वहां पे दो लोग करीब बैठे होंगे, एक होता है वहां पे बैठा हुआ कोर्ट रीडर और एक होता है स्टेनोग्राफर। वहां पे बैठकर आराम से, जो ऐसा नहीं ध्यान पूरा उसका रहेगा अपने काम पे, लेकिन टोटल बात वो सुन रहा है, जज का, कैदी का, पुलिस का, हर बात वो सुन रहा है, सबका सुन रहा है, और वो जो भी उसका इंपॉर्टेंट बात रखता है जहां पे नोट करने का वो नोट करता है अपने हिसाब से। यानी कि अगर स्टेनोग्राफर का हम बात कर लें तो वो शॉर्ट
हैंड के हिसाब से अपना हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे क्या करता है कि उसको नोट करता है बहुत ही शॉर्टकट तरीके में। अब कोई कैदी बोल रहा है, चाहे जज साहब कोई जजमेंट सुना रहे हैं अपना, तो बहुत तेजी में सुनाएंगे, बोल देंगे, उसको जल्दी से लिखना, इसलिए आप लोग से स्पीड मांगा गया है। उतना स्पीड तो आप लोग को चाहिए क्योंकि जज साहब उतना स्पीड में तो बोलते ही हैं, तो उतना आप लोग को मेंटेन करना है। यहाँ पे उसको मेंटेन करने के साथ जज की बात हो गया, कैदी का बात मेंटेन करना, गवाह की बात को मतलब सुनना, उसको लिखना, और फिर से उसको टाइप करने का काम जो किसका होता है, स्टेनोग्राफर का होता है। तो खास रूप से यहाँ पे आप कहिएगा कि इसको लिखावट के तौर पे उसको काम दिया जाता है, और हर एक जगह ऐसा नहीं कि स्टेनोग्राफर यहाँ पे एक ही वहाँ पे बैठा हुआ, हर एक रूम में आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारा रूम में बटा हुआ होगा, यानी कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, तो सभी में स्टेनोग्राफर का काम, सभी में क्लर्क का काम, सभी में पियोन का काम भरा हुआ रहता है। इस तरह से बिहार में 38 जिला है। हम तो कहते हैं कि ये पोस्ट बहुत ही कम निकला है, और भी पोस्ट इसको निकालना चाहिए, और जरूर इसके अंदर में और भी पोस्ट खाली है, जो कि आने वाले दिन में आपको इसका फिर से वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बिहार में इसकी वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है, तो और भी वैकेंसी इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी बहुत सारा सीट खाली है, और फिर से सीट खाली हो जाएगा अगर स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का नियम में परिवर्तन नहीं किया, वही नियम रख दिया बायलिंगुअल का, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। पिछले बार भी सीट नहीं भर पाया था, इस बार भी सीट नहीं भरेगा, और क्यों ऐसा करता है आयोग, ये चीज पर सवाल जरूर उठेगा, बहुत बड़ा सवाल इस पर उठने वाला है। तो अभी हम बात कर रहे हैं काम पर, तो इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, तो ये भी क्या है, लेवल 4 का जॉब है, उसमें भी 35,000 प्लस आप लोग को सैलरी मिलने वाला है, यानी कि क्लर्क का अगर हम बात करें तो यहाँ भी सैलरी यही लगभग आपको बताया कि 1-2 हज़ार का अंतर पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा का अंतर यहाँ नहीं पड़ेगा। 35-36-37 हज़ार आप लोग को सैलरी आराम से शुरुआती के दिनों में मिलना शुरू होगा। ये जो 27,000 सैलरी बोले, शुरुआत से आप लोग को मिलना शुरू होगा, और दिन प्रतिदिन जैसे 3 साल बाद आप नौकरी में हो जाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका 5,000 सैलरी आराम से बढ़ जाता है, और धीरे धीरे इंक्रीमेंट वगैरह, बहुत सारा भत्ता वगैरह लगते जाता है, और आप लोग का सैलरी बढ़ते जाता है। सरकारी जॉब है तो आप लोग जानते भी होंगे, और बहुत सारा सुख सुविधा जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो सभी चीज आपको मिलने वाला है अलाउंस के तौर पे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, इसका सैलरी भी बता दिए, जॉब प्रोफाइल भी बता दिए, और लेवल भी बता दिए, यहां पे से आप लोग बहुत सी कंफर्म हो पाए होंगे। अब बात करते हैं कोर्ट रीडर भरने वाले लोग को, कि ये कहां रहता है और किस तरह से काम करता है। आपको बताया कि जज साहब के सीधे नीचे जो टेबल लगा होता है, कुर्सी लगा होता है, उस पर स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर दोनों बैठा होता है, और कभी कभी किसी का मिसिंग भी हो सकता है, अगर उसका काम नहीं हो तो मिस भी कर सकता है। और ये क्या करता है कोर्ट रीडर आपका, यहां पे टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में मांगा गया है, इसमें भी देखेंगे टाइपिंग मांगा, ये शॉर्ट हैंड मांगा गया, इसमें टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगा गया है। और यहां पे क्या होगा, सभी कागजात को हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग करना और तैयार करना, डाटा मेंटेन करना, नोट तैयार करना, यानी कि जो भी जज साहब बोल रहे हैं उसका जो भी नोट निकल करके आया उसको सीधा उसको हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग करके देना है उसको। अब जिस भी मतलब कैटेगरी में वो मांग रहे हैं आपको तैयार करके रखना है, जितना भी डाटा वगैरह संबंधित है, पुराना पुराना डाटा, बहुत पुराना पुराना भी आपको संभाल करके रखना होगा, और जब भी उसको टाइपिंग के तौर पर मांगा जाएगा आपसे, तो आप लोग उसको टाइप करके जज साहब को दे सकते हैं, उसकी प्रतियां बहुत जगह जाती है, आपका प्रति जो होगा मतलब फोटोकॉपी जो होगा वो आपका थाना में भी जाएगा, मतलब वहां से एसपी के पास जाएगा, दरोगा के पास जाएगा, डीएसपी के पास जाएगा, आपका कोर्ट में रहेगा, तो बहुत सारा उसका फोटोकॉपी जाएगा, तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन से और पूरा एक्यूरेट मतलब आप लोग को तैयार करना पड़ता है। कोर्ट में गलती नहीं चलता, आपके एक गलती की वजह से किसी का सजा बढ़ सकता है, घट सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी यहाँ पे बरतना होता है। इसलिए बोला भी जाता है कि कोर्ट का स्टेनो और यहाँ का टाइपिंग काफी कड़ा होता है, ध्यान से यहाँ पे अशुद्धियां कम आपको करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए, बहुत सारा चीज यहाँ पे आप समझ गए, कोर्ट रीडर का काम भी समझ गए, स्टेनोग्राफर का भी समझ गए, और कोर्ट रीडर का अगर हम सैलरी का बात कर ले तो सेम यहाँ पे 35-36 हज़ार इसका भी शुरुआत में रखेंगे। लेवल 4 का जॉब ये भी आपको बताया कि लेवल 4 ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये लेवल 1 का जॉब है, थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पे काफी सारी सुख सुविधाएं आपको सब में मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर काम का हम अच्छा बात कर लें कि कौन सा अच्छा है, तो क्लर्क यहाँ पे बेटर आपको लगेगा, यहाँ पे इसको काम जो है थोड़ा सा मतलब फील्ड वर्क भी थोड़ा देखेगा, ये काम भी कुर्सी पर भी करेगा, कोई दिक्कत इसको नहीं होता है, ये घूमते फिरते रहता है, और यहाँ पे और ये ज्यादा नजर में भी आपको आएगा। ये दोनों जो काम है स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का, थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होकर करना पड़ता है और ध्यान से करना पड़ता है, रिस्की जॉब है, थोड़ा सा कहीं भी लापरवाही आपको नहीं बरतना है। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, हर चीज आपको सिखा करके ही जज साहब के नीचे बैठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जॉब लिए और जज साहब के नीचे बैठना शुरू हो गया, यानी कि सब काम करना शुरू कर दिए, पहले आपको सिखाया जाएगा हर चीज का, आपका परिपूर्ण किया जाएगा, और मतलब आपको होता है ना कि एक एक बारीकी आपका चेक किया जाएगा, बहुत सारे सीनियर स्टाफ आपके साथ काम करेंगे और वो आपको बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, वो सब एक साल में आप लोग का हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को सभी तरह का काम दिया जाएगा और सैलरी तो आपका शुरू से ही शुरू हो जाएगा। अब अगर हम इसका बात करते हैं कि वर्क इसका कैसा होता है, तो आपको बताया ऑफिस टाइमिंग है, यानी कि आप लोग को ऑफिस के टाइम में वर्क करना होगा 10 से 4, 9 से 4, 9 से 3, है ना, इस टाइप से काम करना होगा, मतलब सैटरडे को अगर हाफ है तो हाफ टाइम कम करना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्क यहाँ पे आप देख लिए कि पियोन में क्या है, ऑफलाइन वर्क है, और क्लर्क में, स्टेनोग्राफर में, कोर्ट रीडर में ऑनलाइन वर्क है, मतलब ऑनलाइन ज्यादा मिलेगा। और सबसे ज्यादा लोग से कौन मिलेगा, सबसे ज्यादा लोग से कौन मिल पाएगा, तो यहाँ पे पियोन मिलेगा सबसे ज्यादा लोग से, मतलब जो भी आता है चाहता है कि चपरासी से क्या करें ना, थोड़ा दोस्ती बढ़ा लेते हैं, पैसा वैसा देते हैं, मेरा काम आराम से हो जाएगा, जज साहब के पास ये पहुंचा देगा चिट्ठी, मेरा काम आराम से हो जाएगा। बहुत सारा काम हो भी जाता है कोर्ट में इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम है ना, सिर्फ केस लड़ना ही नहीं है, कोर्ट में आप ऐसे भी जाते हैं, अफिडेविट बनवाने भी जाते हैं, बहुत सारा खेल का कागजात भी होता है जो कि फंसा रहता है उसको सही करवाना, बहुत तरह का काम होता है कोर्ट में, जैसे कि आप
वहाँ पे जाकर स्टाम्प पेपर ही बनवा रहे हैं। तो ये सभी काम जो छोटा मोटा भी होता है वो कोर्ट में ही होता है, जाकर के होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे संडे को आप लोगों को क्या होगा और फेस्टिवल को क्या होगा, आप लोगों का हॉलीडे दिया जाएगा, यानी कि छुट्टी भी आप लोगों को दिया जाता है समय से। जो भी सरकारी सुख सुविधा है और छुट्टी वगैरह है वो सब आप लोग को मिलने वाला है इस जॉब के अंतर्गत। तो ये सरकारी जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब कोर्ट की मानी जाती है, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता आप लोग को बरतना होता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा होता है ना। यहाँ पे आपके एक कलम की गलती से, आपके एक टाइपिंग की गलती से कई सारे केस फंस सकते हैं, अपने आप में उलझ सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग पर जिम्मा होगा। ये दोस्तों आप लोग को एक जानकारी हम देना चाहते हैं, जैसा कि पहले से अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको बता दिए हिंदी का पूरा सिलेबस आपको हम बता दिए क्या क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। मैथ का तो कोर्स मेरे ऐप पे चल ही रहा है, एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके मैथ को वहां से पढ़ लीजिए। और इंग्लिश का जानकारी आप लोग मांग रहे थे कि किस बुक से हम इंग्लिश को पढ़ें, कौन सा बुक मेरे लिए परफेक्ट होगा बिहार सिविल कोर्ट के लिए, वो चाहे पीओन का हो चाहे क्लर्क का हो स्टेनोग्राफर कोर्ट रीडर, इसके लिए होल पैकेज हम आप लोग के लिए इंग्लिश का ले आए हैं। बहुत ही अच्छा बुक है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है, इजी टू लर्न जनरल इंग्लिश, मतलब यहां से आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ सकते हैं जो कि आपको हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे हर एक चीज जो भी आपको हम बताएंगे, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन नरेशन सेंटेंस कंप्लीमेंट क्लोज पैसेज है स्पेलिंग टेस्ट है, ये हर चीज आपको इस बुक में मिलने वाला। तो इंग्लिश के लिए यहां पे आप प्रयोग कर सकते हैं बिहार सिविल कोर्ट में, और एक भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश का गलती नहीं होगा, क्योंकि सब चीज इसमें आसानी से दिया गया है। बिना टीचर के भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का बुक है, और यहां से बहुत सारी जानकारी आपको मैच करेगी, डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारा चीज यहां पे डिस्कशन के माध्यम से बहुत अच्छा दिया गया है, पैसेज वगैरह हो गया, आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें करवाया गया है। और इस बुक का जो है इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है, जो कि आपको हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहां से जाकर के इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, खास करके हिंदी के लिए आपको बता दिए, इंग्लिश के लिए बता दिए, और मैथ के लिए भी आपको हम बताएंगे। वहां से जाकर के एक भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए भरे हैं वो पोस्ट आपको जरूर हासिल होगा, क्वेश्चन वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस पढ़ना किस तरीके से है, कितना बारीकी आपको पढ़ने में लाना है, वो चीज भी हम बताएंगे। टॉपिक अभी तक हम नहीं बताए इंग्लिश का, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले बुक परचेज कर लीजिए, और जो टॉपिक हम बताते हैं जैसे स्ट्रेटजी हम बताएंगे उस तरीका से बस आपको पढ़ना है, और कहीं भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। बाकी आपको हम हेल्प करते ही रहते हैं अपने से, तो हर एक तरह का वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग का उत्साह बढ़े और आप लोग का नॉलेज बढ़े, हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़े। और चाहे जिस भी पोस्ट को आप भरे हुए हैं आराम से इसका तैयारी करिए, बहुत ज्यादा हार्ड तैयारी नहीं है, फॉर्म कहने को बहुत ज्यादा गिरेगा लेकिन तैयारी उसी का हो पाएगा जो ढंग से अभी से मेहनत कर रहा होगा, वो चाहे स्टेनोग्राफर का हो या क्लर्क का हो या पीओन का हो, सब चीज यहाँ से अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आपको हम बता ही दिए कि मेरा इस चैनल से जुड़ करके रहना, जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब वगैरह करके लाइक वगैरह करके शेयर कर दीजिएगा, और हमारे एप्लीकेशन से भी आपको जुड़ना है। मेरा एप्लीकेशन खुद का है, वहां पे मैथ का क्लास चल रहा है बिहार स्पेशल के लिए, आप लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते उनको बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक उसका भी दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वहां जाकर डाउनलोड करके वहां पे आराम से लॉग इन करके आप जुड़िए, मैथ का क्लास करिए, इंग्लिश का किताब से पढ़िए, हिंदी का किताब से पढ़िए, आराम से हम आपका पूरा जॉब का जितना भी स्ट्रेटजी होगा सब बता करके क्लियर कर देंगे। जॉब आते आते मतलब एग्जाम आते आते कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं रहेगा, इतना सारा वीडियो आपके लिए हम जरूर अपलोड करेंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोग अभी तक हमसे जुड़ चुके होंगे और लाइक शेयर भी कर दिए होंगे। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।